नमस्कार, वीके न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में छात्रा के गैंगरेप की खबर निकली झूठी, छात्रा ने किया पुलिस विभाग को गुमराह। नायलॉन मांजा बिक्री करते हुए छात्र गिरफ्तार, 35,000 का नायलॉन मांजा किया बरामद। और उम्मीदवार बदलना कांग्रेस की थी रणनीति, नाना पटोले का खुलासा, 52 कुल्हे पर साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर म्यूजिक क्लास जा रही छात्रा ने उसे दिन दहाड़े अपहरण कर गैमरे किए जाने की झूठी जानकारी देकर सोमवार को शहर पुलिस की नींद उड़ा दी थी। जी हां, जहां 9 घंटे की पड़ताल के बाद वारदात की पुष्टि नहीं होने से देर रात तक पुलिस को जांच की दिशा ही बदलनी पड़ी। संबंधित छात्रा ने अपने प्रेम विवाह के लिए अपहरण का खुद ही ड्रामा रचा था। घंटों की पड़ताल में खुलासा हुआ। नागपुर के कलमना पुलिस स्टेशन के तहत सोमवार को एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। अधिकारी पुष्टि कर इस मामले पर पुलिस विभाग ने संदेह भी जताया था। खुद पुलिस आयुक्त मितेश कुमार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बरड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जिन्होंने शाम होते होते दुष्कर्म होने की खबर पर मुहर भी लगा दी थी। बावजूद इसके देर रात बाद इस मामले में नया मोड़ आया और सच्चाई ये निकली कि छात्रा ने खुद के विवाह के लिए खुद के अपहरण की झूठी खबर छपवा दी, जिससे पुलिस विभाग के ही होश उड़ गए। 19 वर्षीय छात्रा काटोल मार्ग पर रहती है व म्यूजिक सीख रही है। सीताबर्डी के एक म्यूजिक क्लास प्रशिक्षण हासिल कर रही है। छात्रा के अनुसार वह सुबह 9 बजे घर से रवाना हुई। 9:30 बजे वैरायटी चौक से पैदल रामदासपेट जा रही थी। रामदासपेट में लेंड्रा पार्क के पास कार में सवार 2 युवक उसके पास आकर ठहरे। उन्होंने पता पूछने के बहाने कलोना परिसर ले जाकर बलात्कार किया। दिन दहाड़े अगवा कर गैंगरेप की शिकायत से पुलिस में खलबली मच गई। पुलिस आयुक्त ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। जांच के इसी बीच शहर पुलिस महिला पुलिस अधिकारियों पूछताछ दौरान भी छात्रा आरोपियों के बारे में गुमराह कर रही थी। छात्रा के परिजनों से पता चला कि वो प्रेम विवाह के लिए अपने परिजनों से अनुमति मांग रही थी, लेकिन उसके परिजन नहीं माने। इस कारण उस छात्रा ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाकर सभी को गुमराह किया। इस बात का खुलासा देर रात को होने की जानकारी सूत्रों द्वारा बताई गई है। नागपुर क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित नायलॉन मांजा की बिक्री करने वाले छात्रों को पकड़ा है। उससे 35,000 को नायलॉन मांजा बरामद किया गया है। आरोपी लोकेश देवीदास बारापात्रे जो गोलीबार चौक से है। मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए एक तरफ जहां नायलॉन मांजे पर प्रतिबंध और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके नायलॉन मांजा की बिक्री करने के मामले धड़ल्ले से सामने आ रहे हैं। सोमवार को शहर के गोलीबार चौक पर एक छात्र के पास से नायलॉन मांजा बरामद किया गया। गोलीबार चौक निवासी लोकेश BCA का छात्र है। उसके पिताजी निजी फर्म में काम करते हैं। लोकेश खुद के लिए कॉफी शॉप खोलना चाहता था। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसने 3 दिन पहले एक स्थानीय व्यापारी के माध्यम से नायलॉन मांजा की 58 चक्री खरीदी। इसकी क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 को भनक लग गई। सोमवार की दोपहर लोपेश के घर पर छापा मारकर नायलॉन मांजा बरामद कर लिया। उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताते चले कि यूनिट 3 के दिनों में नायलॉन मांजा पर दूसरी कार्रवाई है। VKB न्यूज भी नागरिकों से अपील करता है कि नायलॉन मांजे से होने वाली दुर्घटना के मद्देनजर इस बार नायलॉन का बहिष्कार करे, और कोई अगर नायलॉन का इस्तेमाल कर रहा है उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस विभाग को अवश्य दे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट किया है कि विधान परिषद की नागपुर स्थानीय निकाय सीट का उम्मीदवार एन समय पर बदलना कांग्रेस की रणनीति थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को उम्मीदवार बनाना अथवा उसे बदलना कांग्रेस ही तय करती है। उम्मीदवार बदलने पर उन्हें बेबस कहने पर भाजपा प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावन कुले पर निशाना साधते हुए पटोले ने कहा कि वे उनका त्याग पत्र मांगने एवं कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले कौन होते हैं।
ज्ञात हो कि विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के एक मंत्री के दबाव पर भाजपा से कांग्रेस में गए छोटू भोयर जो उम्मीदवार थे उन्हें एन समय पर बदल कर कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश राउत को अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद बावन कुले ने इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देने की मांग की थी। चंद्रशेखर बावन कुले ने आरोप लगाया था कि जिले के दो मंत्रियों के दबाव में आकर पटोले ने एन समय में प्रत्याशी बदला है। उन्होंने इनके इस्तीफे की मांग भी की थी। नागपुर पहुंचे पटोले ने इस पर कहा कि ये कांग्रेस की रणनीति थी जो समय पर उम्मीदवार बदल दिया। बावन कुले, मेरा इस्तीफा मांगने वाले आखिर होते हैं कौन? जी कहीं आज अस्वस्थता भाजपमध्ये निर्माण झालेली आहे आणि ज्या पद्धतीनं वाचाळ वाक्यता भाजपकडून दोन दिवसाच्या पहिले झाली त्याचं कारणच आपण पाहतो की त्यांची जी अवस्था आहे ती खराब आहे, म्हणून वरचं डोकंच खाली झाल्यासारखं परवा ते बोलत होते। त्यामुळे उद्या निकाल आहे, उद्या निकाल आल्यानंतर कळेल की वस्तुस्थिती काय। आणि एक बघा, आम्ही सुरुवातीला सांगितलं की 80 मतं आमची कमी असताना आम्ही ही निवडणूक लढतो आहे आणि त्याच्यामुळे जिंकण्याचा दावा आज आम्ही करणं हे काही बरोबर नाही, पण उद्या आम्ही जिंकलो तर भाजपची अवस्था काय असेल, कारण की आपण पाहिलं की संदीप जोशीच्या निवडणुकीमध्ये जी काही परिस्थिती भाजपची त्या काळामध्ये झाली ती आपण सगळ्यांनी पाहिलेली आहे। आणि उद्याची निवडणूक समजा जे काही आमची स्ट्रॅटेजी होती त्याची ती स्ट्रॅटेजी आमची सक्सेस झाली आणि आम्ही जिंकलो तर निश्चितपणे भाजपची अवस्था नागपुरात काय असेल, कारण की नागपूर जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीमध्येही ती अवस्था झाली भाजपची आणि उद्याच्या एवढे मतं त्यांच्याजवळ जास्त असताना आम्ही जिंकू, तर निश्चितपणे आमची स्ट्रॅटेजी उपयोगात आली असं आम्ही मान्य करतो। कन्हान जलशुद्धीकरण केंद्र से भांडेवाड़ी पारडी 1-2 और सुभान नगर पानी टंकी से जोड़ने वाली 700 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन फूट गई है। इसके चलते मंगलवार को भांडेवाड़ी पारडी 1-2 और सुभान नगर सहित 4 टंकियों की जलपूर्ति बाधित रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सिग्नल रेलवे क्रॉसिंग के पास महारेल के ठेकेदार की लापरवाही से जलापूर्ति पाइपलाइन फूटी है। इस पाइपलाइन से बड़े पैमाने पर पानी बह गया। बताया जा रहा है कि महानगर पालिका व ऑरेंज सिटी वाटर कंपनी के कर्मचारी पाइपलाइन सुधार कार्य में जुट गए हैं। इसके चलते मंगलवार को भांडेवाड़ी पारडी 1-2 और सुभानगर सहित 4 टंकियों की जलपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं नागरिकों से भी अपील की गई है कि मरम्मत के कार्य को देखते हुए वो सीमित पानी का उपयोग करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ओबीसी आरक्षण पर पूछे गए सवाल पर नागपुर पहुंचे नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस बिना आरक्षण स्थानीय निकाय चुनाव को रद्द करने की मांग करती है। पिछड़ा वर्ग आयोग को कम निधि देने पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी निधि देने के बाद ही एम्पिरिकल डेटा का संग्रह होगा, इसके लिए वो मुख्यमंत्री से जल्द बात करने वाले हैं। ऐसी जानकारी भी नाना पटोले ने नागपुर में दी। सर सकट या निवडणुका रद्द करून, कारण की आपण पाहिलं की अनेक ठिकाणी ओबीसी समाजाने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय केलेला आहे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि म्हणून मतदानाचं हे बहुमूल्य अधिकार समजा या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये संपत असतील, लोक त्याला विरोध करत असतील, तर निश्चितपणे या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष करण्याची गरज आहे आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाची भूमिका त्याच्यात ती स्पष्ट आहे की विदाऊट ओबीसी आरक्षण
या निवडणुका होऊ नये ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची. कधीपर्यंत डेटा जो आहे तो कलेक्ट होईल, कारण तुम्हाला कोटा सांगावा लागेल की आम्ही. मूळ प्रश्न आहे की आता तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की माननीय सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी अध्यादेशाला स्टे दिलेला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी अध्यादेश ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी जो अध्यादेश काढलेला आहे तो 50%च्या आतमध्ये बसून पाठवलेला आहे. त्याच्यामध्ये सर्वपक्षीय याच्या बैठका झालेल्या होत्या आणि त्या पद्धतीचा निर्णय करून हा अध्यादेश काढलेला होता. पण त्याच्यामध्ये भाजपचेच राहुल वाघ नावाचा आणि एक गवळी नावाचे ज्यांना या कोर्टात सुप्रीम कोर्टात पाठवून त्यांचे मोठे मोठे वकील लावून या अध्यादेशावर स्टे देण्याचा प्रयत्न त्या काळामध्ये झालेला होता. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीकडे आम्हाला आता राजकारणात जायचं नाही. या विषयावर आमचा सगळ्यांचं आमची काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होऊ नये ही भूमिका काँग्रेसची. प्रदेश काँग्रेस के महासचिव अतुल कोटेचा को काँग्रेस में महाराष्ट्र के उद्योग व्यापार सेल का अध्यक्ष बनाया गया है. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कोटेचा को उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा व विदर्भ का प्रभार सौंपा. इस निर्णय की कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापारी सराहना कर रहे हैं. कोटेचा स्वयं एक व्यापारी होने के नाते व्यापारियों और उद्योजकों की समस्याओं से बखूबी वाकिफ है और उनके निराकरण की दिशा में ठोस प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद व्यापारिक संगठनों ने जताई है. अपनी नियुक्ति पर कोटेचा ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है उसे निभाने में वे भरकस प्रयास करेंगे और व्यापार उद्योग जगत की समस्याओं को हल करेंगे. इसके लिए संपूर्ण प्रदेश का दौरा करेंगे. उन्होंने दोहराया कि वे खुद एक व्यापारी हैं, जो आज के हालातों में व्यापारी किस दौर से गुजर रहा है यह उनसे छिपा नहीं है. ऐसे में वे शीघ्र ही व्यापारिक संगठनों से भी संवाद साधेंगे. अतुल कोटेचा, उनकी इस उपलब्धि पर पूरे वीकेबी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई. वर्धा शहर में बिजली बिल रीडिंग के तौर पर दिया जाए, इस मांग को लेकर सैकड़ों किसानों बोरगांव मेघे में महावितरण कार्यालय पर मोर्चा निकाला. इस दौरान किसानों ने अपनी अपनी मांग रखी. करका यांनी आमचे जे लाईन आहे ते बंद करण्यासाठी त्यांचे कर्मचारी पाठवले की उद्यापासून आमची पूर्ण लाईन जी आहे तुमच्या फिटरची ती बंद होणार आहे. आणि आमचा जो एरिया आहे हा सगळा भाजीपालावाला एरिया आहे, त्याच्यामुळे आम्ही जर लाईन बंद केली तर उद्यापासून मार्केटमध्ये मालसुद्धा येणार नाही, म्हणजे एवढी परिस्थिती आहे. आम्ही साहेबांशी चर्चा केली की बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना बा हे बिल नाही का भरपूर प्रमाणात आले आहे, काही शेतकऱ्यांचे मीटर बंद आहे, काही शेतकऱ्यांचे पंपसुद्धा चालू नाही तरी त्यांना भरपूर विजेचे बिल आलेले आहे. आम्ही त्यांच्यासोबत चर्चा केली, त्यांनी आम्हाला सांगितले की बा आम्ही तुमच्या गावामध्ये बरबडी चितोडा या गावामध्ये येऊन 17 तारखेला कॅम्प घेतो आणि तुमचं मन समाधान होईल असं आम्ही तुम्हाला विजेचं जे काही त्याच्यामध्ये आम्हाला ॲडजस्टमेंट करता येईल असा कॅम्प लावून आम्ही तुमचे बिलं कमी करून देऊ. आणि आज जे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी आमच्या गावामधले शेतीपंपाचे जे लाईन बंद करण्याचं जे सांगितलं होतं ते त्यांनी आज थांबवलेलं आहे. ते सध्या शेतीपंपाची वीज वसुलीचं काम सुरू आहे, त्या अनुषंगाने आज सकाळी जे काही शेतकरी आले होते त्यांच्या विविध जे काही तक्रारी आहेत एक साधारणतः नॉर्मल जवळपास सारख्याच तक्रारी की त्यांना वीज बिल हे रिडिंगप्रमाणे मिळत नाही, त्यानंतर 5 HP ची मोटर असतं 7.5 HP च्या टॅरिफप्रमाणे त्यांना बिल जातं, किंवा दिवसाची लाईट नसून रात्रीची लाईट मिळते, अशा ह्या ज्या प्रकारच्या तक्रारी आहेत या संदर्भामध्ये मी शेतकऱ्यांना समजून सांगितलं. त्यांच्याकडे साधारणतः 17 तारखेला कॅम्प ठेवलेला आहे, 17 सकाळी 11 तर प्रत्यक्ष पाहणी करून जर मीटर का वर्किंग नसेल चालू नसेल तर मीटर बदलून त्यांना रिडिंगप्रमाणे बिल देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. तसंच जे 5 ऐवजी जर 7.5 HP चं जर बिल जात असेल तर त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्थळ तपासणी करून जे त्याची मोटर आहे त्याच्याप्रमाणे बिल देण्यात येईल. आणि दिवसा सप्लाय जो देण्याचा हे आहे त्यांची मागणी आहे ह्या हा पॉलिसी मॅटर आहे, आपल्याला MERC च्या नियमाप्रमाणे आपल्याला त्याच्यावर ॲक्शन घेण्यात येतात. आणि एकाच ठिकाणी कंटिन्यू दिवसा किंवा रात्री अशी वीज नसते, रोटेशनमध्ये असते, 1-15 दिवसांनी ते रोटेशन चेंज होतं आणि त्या रोटेशनप्रमाणे कधी दिवसा कधी रात्री असं ते अल्टरनेट होतं. आणि ह्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपण त्या शेतकऱ्यांना समजून सांगितलेलं आहे आणि परत 17 तारखेला कॅम्पमध्ये याला सविस्तर माहिती देण्यात येईल. आणि माझी सर्व शेतकरी बांधवांना आणि वीज पंप धारकांना माझी विनंती राहील, आव्हान राहील की महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीने
AG पॉलिसी 2020 ही जी काढलेली आहे, ह्या पॉलिसीमध्ये त्यांनी सहभाग घ्यावा आणि आपलं जे वीज बिल आहे त्या नियमानुसार साधारणतः 50% त्यातलं मार्च 21 आत जर भरलं किंवा मार्च 21 तर 50% एक माफ होईल, बाकीचं जे वीज बिल आहे ते त्यांनी त्वरित भरावं अशी एक माझी कळकळीची विनंती आणि आव्हान राहील। इस वर्ष नागपुर जिले में बड़े जोर शोर से धान खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं। वैसे भी धान खरीदी को पहले ही काफी विलंब हो गया था, देर से ही सही, आखिर किसानों की धान खरीदी शुरू तो हुई परंतु अभी भी बोनस की घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई, जिससे जिले के किसानों में संभ्रमावस्था निर्माण हो गई है। बोनस पिछले साल तो मिला लेकिन इस वर्ष मिलेगा या नहीं, इस दुविधा की स्थिति में धान उत्पादक किसान है। जिले की गारंटी मूल्य पर अनाज खरीदी केंद्रों पर सरकारी अनाज खरीदी प्रक्रिया देर से सही पर शुरू हो गई है। किसानों को इससे थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। इस वर्ष खरीफ सीजन की खरीदी 1 अक्टूबर से 31 जनवरी इस समयावधि में करने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु पिछले सीजन के माल से भरे हुए गोदाम खाली नहीं होने से और धान खरीदी संदर्भ में केंद्र की सूचनाओं के चलते पूरे 1.5 से 2 महीने देरी से धान खरीदी शुरू हुई है। इसके कारण अब धान खरीदी करने के लिए मात्र 2 माह का ही समय शेष रह गया है। सरकार द्वारा खरीदी प्रक्रिया का समय और थोड़ा बढ़ना यह विषय अलग है। इस वर्ष अक्टूबर के अंत में और नवंबर माह के पहले सप्ताह में धान खरीदी केंद्रों के उद्घाटन की औपचारिकता कर किसानों में उम्मीद की आस जगाई। किसानों द्वारा धान खरीदी के लिए आभासी पद्धति से पंजीयन करवाया गया। किसानों द्वारा केंद्र पर लाए जाने वाले धान के माल के दौरान किसानों की भीड़ न हो ऐसी सरकार द्वारा सूचनाएं मिलने के बाद तय समय और दिन में किसानों को धान केंद्र पर बुलाया जाएगा। केंद्र की ओर से आगामी बारदाना नहीं देने का तय किया गया है। किसानों के पुराने बारदाना में धान नहीं लिया जाएगा, इसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष समय पर नहीं पहुंच पाने से किसानों का धान बारदानों में ही खरीदा गया था। किसानों ने 20 से 25 रुपए के हिसाब से बारदाना खरीदा था, न तो बारदाना वापस मिला और न ही उसका मूल्य किसानों को मिला। इस बारदाने का क्या हुआ इसकी अभी तक किसानों को जानकारी नहीं है। खरीदी केंद्र पर इस वर्ष जांचक शर्तें लगाई गई है जिसके चलते किसानों में संभ्रम का वातावरण निर्माण हो गया है। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ।